गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुनीता बैरवा। मैं आपको पढ़ाऊंगी सेकंड क्लास की हिंदी, और हिंदी का पहला चैप्टर है लालच का फल। बच्चों, ये एक कविता है। इसमें बताया गया है कि एक बिल्ली एक चूहे को किस प्रकार लालच में ले लेती है। वो अपनी मीठी मीठी बातें बताती है उसको, और उसको धीरे धीरे मिठाई खाने के लिए बुलाती है, और चूहा उसकी उसकी मीठी मीठी बातों में आकर उसके पास आ जाता है, और फिर वो झट से चूहे को खा जाती है। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम को पढ़ना। मुंह में जैसे मिश्री घोली, म्याऊं म्याऊं मौसी बोली। बच्चों, बिल्ली मौसी चूहे से इतनी मीठी मीठी भाषा में बात कर रही है जैसे कि उसने मुंह में मिश्री घोल के रखी हो। म्याऊं म्याऊं मौसी बोली, मतलब वो मीठी मीठी भाषा में उससे म्याऊं म्याऊं बोल के उससे बातें कर रही है। मैं सन्यासी बनकर आई, करने निकली पुण्य कमाई। मतलब बिल्ली मौसी चूहे को ये बोल रही है कि मैं सन्यासी बन चुकी हूँ। सन्यासी का अर्थ होता है बच्चों साधु बनना। तो बिल्ली मौसी चूहे को बोल रही है कि मैं सन्यासी बनकर आई हूँ और मैं पुण्य की कमाई करने निकली हूँ। मतलब आपको मुझसे कोई हानि नहीं है, मैं साधु बन चुकी हूँ, मैं आपको नहीं खाऊंगी। डरो नहीं तुम चूहे भाई, खाओ मेरे साथ मिठाई। और बिल्ली मौसी चूहे को ये बता रही है कि चूहे भैया, आप मुझसे डरो मत, मैं साधु साधु बन चुकी हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास आओ और मेरे साथ बैठकर मिठाई खाओ। बिल्ली मौसी बच्चे चूहे को फिर से बोलती है कि तुम्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाऊं, मीठे स्वर से भजन सुनाऊं। बच्चों, बिल्ली मौसी चूहे को अपने पास बुलाते हुए कहती है कि चूहे भैया, मेरे पास आओ तुम, मैं तुम्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाऊंगी और मीठे स्वर में मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। सुन मौसी की झूठी बातें, भूल गया सब चूहा गाते। और चूहा मौसी की सारी मीठी मीठी बातें सुनकर, उसकी सारी लालच देने वाली बातों को मानकर भूल गया सब चूहा खाते। उसके सारे दिए हुए धोखे, उसकी सारी हुई हानियां जो उसने चूहे को पहले दी थी, वो सारे धोखे वो भूल गया। देख मिठाई मन ललचाया, उसके मुंह में पानी आया। और मिठाई को देखकर, मौसी की मीठी मीठी बातें सुनकर, वो भूल गया कि उसको हानि पहुंचा सकती है, और उसके मुंह में पानी आने लग गया मिठाई खाने के लिए। जो ही चूहा बाहर आया, झट मौसी ने भोग लगाया। और जैसे ही चूहा मिठाई खाने के लिए बाहर आया मौसी के पास, वैसे ही चूहे को जल्दी से मौसी ने झट से उसको पकड़ के भोग लगा लिया, मतलब उसको पकड़ कर खा गई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि जैसे कि बिल्ली मौसी ने चूहे को लालच दिया मिठाई का, और कहा कि मैं साधु बन चुकी हूँ, मुझसे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, और जैसे चूहा बाहर आया, झट से जल्दी से मौसी ने पकड़ कर उसे खा लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें कभी भी किसी की अच्छी बुरी बातों को, और किसी भी चीज़ या मिठाइयाँ या कोई और चीज़, जिस प्रकार चूहा लाल मिठाई के लालच में आ गया, उस प्रकार हमें किसी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। लालच का फल हमेशा बहुत बुरा होता है। तो बच्चों, हम हमने कविता पढ़ ली है, अब हम इसका व्याकरण बोध करेंगे। इसमें हम पढ़ते हैं शब्द बोध, शब्द बोध, वर्ड पावर। तो बच्चों, हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। सन्यासी, सन्यासी का अर्थ होता है साधु यानी कि हर्मिट। और बच्चों, सन्यासी में ये चंद्रबिंदु भी आता है, कई बार कई लोग इसे गलत लिख देते हैं। और ये बच्चों, हमें यहाँ पे चंद्रबिंदु नहीं लगाना है, चंद्रबिंदु एक बिंदु और ऊपर से ऐसा निशान होता है, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ बिंदु लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा, सन्यासी, जिसका अर्थ होता है साधु यानी कि हर्मिट। आगे आता है पुण्य, पुण्य का अर्थ होता है अच्छे कर्म यानी कि होली वर्क्स। घाते, बच्चों घाते का अर्थ होता है घात करना यानी कि धोखा देना, चाले ट्रिक्स। जो ही का अर्थ होता है बच्चों जैसे ही, एज। देखिए बच्चों, जिस प्रकार सन्यासी में अनुस्वार है, जो ही के बाद में भी एक अनुस्वार एक बिंदु लगा हुआ है। तुरंत, झट, झट का अर्थ होता है बच्चों तुरंत यानी कि जल्दी से, एट वंस एकदम से। जैसे झट से चूहा बाहर आया और बिल्ली ने उसे एकदम से पकड़ के उसे खा गई। अब आता है बच्चों भोग लगाया, मतलब उसको खा लिया। एट एट यानी होता है खा लिया।